दोस्तों, अगर आपका कंप्यूटर आपको स्टार्टअप के बाद आपका वेलकम करे तो आपको कैसा लगेगा? मैं जानता हूं कि आपको एब्सोल्युटली बहुत ही अच्छा लगेगा। मुझे भी बहुत अच्छा महसूस हुआ। तो चलिए आपको मैं बता दूं कि आपको आपका कंप्यूटर कैसे स्टार्टअप के बाद आपका वेलकम करेगा। मैं सबसे पहले बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल एसके एंट्री पॉइंट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको अपने कंप्यूटर में विंडोज प्लस आर को दबाएं। विंडोज प्लस आर को दबा दिए और उसमें टाइप करना है नोटपैड, NOTEPAD, नोटपैड। उसके बाद इंटर को प्रेस कर दीजिए। एंटर को प्रेस कर दिए, उसके बाद उसमें लिखिए DIM, डीम स्पेस SPEAKS स्पीक्स कॉमा SPEECH स्पीच। उसके बाद लिखिए SPEAKS स्पीक्स इक्वल टू डबल कोट WELCOME वेलकम, उसके बाद कॉमा दीजिए और आपका नाम दीजिए, योर नेम, इसके बाद डबल कोट दीजिए। इसके बाद देखिए SET सेट स्पीच SPEECH स्पीच इक्वल टू, इक्वल टू देने के बाद देखिए CREATE क्रिएट OBJECT कोमा दे दीजिए और उसमें लिखिए डबल कोट SAPI सापी डॉट SPBOICE और डबल कोट और उसको बंद कर दीजिए। उसके बाद लिखिए SPEECH स्पीच डॉट SPEAKS स्पीक्स और इसको सेव कर दीजिए। सेव कैसे करना है, कंट्रोल प्लस एस को दबाइए और उसके बाद उसमें लिखिए WELCOME वेलकम डॉट VBS वेलकम डॉट VBS और इसको सेव कहाँ पे करना है, आपको डेस्कटॉप पे सेव करना है। यहाँ से डेस्कटॉप मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे सेव को क्लिक कर दिया। ओके यस, सेव हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, विंडोज प्लस आर को फिर से दबाना है और उसमें लिखना है SHELL सेल और इस तरह का सिंबल देना है, दो ठो पॉइंट जो आता है STARTUP स्टार्टअप। उसके बाद ओके को प्रेस कर दीजिए, इसको मिनिमाइज कर दीजिए। जो मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया था ये वाली फाइल को, इसको आप कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी से, कंट्रोल सी। और जो मैंने अभी खोला था ये स्टार्टअप, तो उस पे जाकर के आप पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद आप अपने कंप्यूटर में विंडोज को प्रेस कीजिए, वहां लिखिए SOUND साउंड साउंड और इस तरह का साउंड आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्लिक कीजिए और यहाँ क्लिक करने के बाद आपको इस पे चले जाना है, साउंड जहाँ पे लिखा हुआ है उस पे क्लिक कर लिए और उसके बाद साउंड स्कीम जो है उसको क्लिक करेंगे और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे नो साउंड और देन अप्लाई ओके। उसके बाद अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट कीजिए।